सीकर जिले के निमका थाना इलाके के पाटन थाना अंतर्गत सोहनपुरा में आज अचानक एक गाड़ी में आग लग गई। आग लगने से गाड़ी पूरी तरह जल गई। गाड़ी में सवार चालक और एक युवक गंभीर रूप से झुलस गया। आसपास के लोगों ने दोनों को गाड़ी से बाहर निकालकर दोनों को पाटन अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जयपुर रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार कृष्ण कुमार पुत्र ओमप्रकाश खटीक निवासी पाटन एवं प्रमोद पुत्र भगवान सहाय निवासी प्रागपुरा दोनों गाड़ी में सवार होकर डाबला की ओर जा रहे थे, तभी सोहनपुरा के पास अचानक गाड़ी में आग लग गई। आग लगने से दोनों गंभीर रूप से झुलस गए। दोनों को पाटन अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने दोनों को जयपुर रेफर कर दिया। वहीं घटना स्थल पर पाटन पुलिस ने पहुंचकर लोगों की मदद से पानी के टैंकर से गाड़ी में लगी आग पर काबू पाया। वहीं घटना को लेकर मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई।